कपड़ दबाव तर ली ओकर कपड़ा गजार तर ली ओकर मतलब बर्तन खाना पीना कुछ बना के एकदम छोटा बच्चन मतलब ओके खियावे को होत रहल ओके दूध ओके डेयरी लगवले रही का वाला की फल फूल काजू किशमिश सब कुछ ओके खरीद के खियावत रही। मोदी जी मेरी बीवी से मिलवा दीजिए नहीं तो इस बार हम आपको चुनाव हरवा देंगे। भैया ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बगल में दिख रहे अनमोल जी कह रहे हैं जिनकी बीवी 4 साल से इनसे दूर है और इनका कहना है कि इस बार मोदी जी अगर हमारी बीवी से हमको नहीं मिलवाते हैं तो हम मोदी जी को चुनाव हरवा देंगे। क्या कह रहे हैं कि अब मोदी जी आपकी बीवी से मिलवी तो मोदी जी चुनाव हरवा देवा? मोदी जी के ना योगियों जी के हटवा देव हम, काहे कि ये लोग के राज में हमारे मेहरारू मतलब न अगर करवाइयन तो ये लोग उनसे बड़ा कोई गुंडा है दुनिया के लोगन चलाओ तुम कहला हमारे ससुर उनके चलिए हमारे कहे का मतलब ये है कि मोदी योगी जी से हमारे यही का नाम है कि हमारे या तो विदाई करावा या तो हमारे उसे तलाक करावा। हम 4 साल से परेशान आई हमके बनावे खाए का दिक्कत होता, हम यह इतना रात का सलाह यहाँ आई ऑटो चलाईला ऑटो चला के घरे जाब, अब नदी में हम गाड़ी चला के घरे जाब तो हम कहला वहाँ जाब चूल्हा फूकब आग बार खाना बनाई तब न खाब तब न सुब हम, तो हमारे यही का नाम है कि हमारे डू में से एक करावा या तो विदाई करावा या तो हमारे छोड़ौती करावा। हमारे मोदी योगी जी से हाथ जोड़ के गिनती है कि भैया हमारे डू में से एक करावा जैसे सबकर भला किला वैसे हमरो भला करा। हम गरीब आदमी है, हमारे घर द्वार कच्चा यही बदे हमारे मेरालू आवत ना। मोदी योगी जी से हमारे का नाम है कि आप लोगन अपन बुलडोजर ओकरे घर पर ले आगे ओके करा या तो विदाई करावा या तो हमारे तलाक करावा। हमारे मोदी योगी जी से यही का नाम है, हमारे गिनती स्वीकार करें। ना अगर ना भल मान लो तो न विदाई भल और न ही भल सुल्ला तो क्या तू चुनाव हरवा देबा मोदी जी के? हम चुनवा ना हरवाई, हमारे पावर ना, बाकी हम वोट ना देव उनके और 10 जाने से वोट ना दीवाई, जो हमारे पर्चे करे हम वोट ना दीवाई, भलू से हारा जाए जीता वो तो हम ना जानते। तब हम यह करब कि हम वोट अपना हम ना देव उनके और जो हमारे परिवार के हुए उनसे भी ना दिवाई, जो हमारे पर्चे को उन दोनों से ना दिवाई। का तुम्हार पत्नी जो हो का कहला आपसे कि हम काहे ना रहिब तोरे साथे? हमके कहले तू काला कल उठा हुए तू हमारे लाख हुए, हम साला इतना स्मार्ट है, हमार घर द्वार इतना 3 तल्ला मकान, हमार बाप का वाला SDM के संगे रहला, हमारे घर में हर हर घर में सोफा सेट तोर कच्चा घर में हम रहा, ऐसे बोल ले हमें हमें काला कल उठा बोल ले हम काला कल उठा आई अपने बदे वही हम काहे के लिए हमसे साथी तब जब हमार कहे का मतलब ये कि जब हम करिया रही तो पहले अब काहे कहते करिया हुए मुसहर हुए का कच्चा घर द्वार ऐसे वैसे पहले हम ओके देखौले ना रही वीडियो कॉलिंग में कुल देखौले रही और सामने सामना देखी तो का बोलल कुल वैसे हम प्रेम से पूछ ली आड़े जाके मंदिर में पूछ ली झांगड़ में वहाँ मंदिर पर देख देखैया भल हम वहाँ जाके एकदम कुल आड़े जाके पूछ ली कि देख भैया कोई के दबाव में मत कहे भैया देख टोके अगर हम पसंद हुई तब हमसे शादी करें नहीं तो भैया पहले ही हाथ जोड़े कहे कि हम पहले बीवी से धोखा खेल ले अगर देख भाई हमारे यहाँ शादी कर भी तो हमारे मन से इज्जत से रहे कोई पहले तो कुल स्वीकार के लिए बाकी अब काहे तो अकेले अब का कहा था बच्चा भयल तो हमें एको बार खबर ना दिले प्लस हमारे यहाँ मम्मी हमें 2 महीना भल 2-3 महीना भल हमारे मम्मी स्पार भल नहीं अपने मम्मी के मरले में रो के गिड़ा के एकदम फोन कैली कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसा बात हो गल, फिर मम्मी के वीडियो बना के भेजले रही मरले में वीडियो बना के भेजले रही ऐसा ऐसा बात हो गल रो गिड़ा के कुल बतौली ओके बाप से बतौली उसे भी बतौली नहीं हमारे घरे वो टाइम ना आई बाकी अब का कहते हमें हम आपके बात समझ जाती कि मतलब वो टाइम ना आई बाकी अब का कहते आवे को तो इज्जत से आ जा नहीं छोड़े को तो इज्जत से छोड़ दे हमारे डू में से दोनों हमारे सुबह या तो छोड़ दे या तो चली जाए हमारे घर काहे कि हमें बनाओ खाए के दिक्कत है कहा था ससुर के घरे बुलडोजर चलवा दे। हाँ योगी जी अगर चाहिए अगर हमारे सुनिए तो बुलडोजर चलवा दिए काहे कि हमारे ससुर गुंडा बना ना हमारे ससुर के बहुत हमें नाना प्रकार के धमकी देव ना मारे काटे के मतलब बहुत अथवा करण कहना हम तो उठवा देव मन नाना प्रकार के बात बोला ना बहुत बुरा बुरा बोला लपट्ठा हो। हाँ तू सुनबा तो भैया कहवा कि सरवा कैसे बोल दिले बाकी हम ससुर समझी ला बाकी बहुत प्रेम जब इतना गोर अंगार रही बीवी तो का करे शादी किया जब तू देखा था उतरे। अरे भैया तो हम गोर अंगार देख के लिए दिलवा रोज जान बारे कि वहाँ दिल कोई से और से लग ले भाई हमें तो इना ना मालूम रहल सदिया कैले के बाद कहला कि जब पेट से रही हमसे शादी कर ले सुना आप खुल के बतावत है पेट में बच्चा रहल ऐसे कहला हमसे शादी कैले वो टाइम दे रहा कि लॉकडाउन में हम जा ना पावत रही तीन डेट शादी धरकर कैंसिल हो गल लॉकडाउन में हमार पास ना बनत रहा ओकर बाप पास बन बोले जबरदस्ती मतलब बुला के मैं पास बन बोले सब तहसील में रहला ना पास बन बोले SDM के संगे रहबे करा ओकर सपोर्ट रहा हम पास बन बोले
और का वाला वो टाइम कुल कहाँ पैदल ऐसे और शादी कुल सब रोड तरफ को टाइम कुल शादी करवा दे मन। शादी करवले के बाद जब शादी हो गल जब यहाँ बच्चा वाली मैटर से बताओ भजला जब यहाँ अल्ट्रासाउंड करा के तब हमारे यहाँ से भागल तो बतावा तू बतावा कि जब अगर सच्चा रहो तो अगर हमारा बच्चा रहो तो हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कराओ हमारे यहाँ हमारे घरे रहो तो हमारे घरे बच्चा पैदा के लिए हो या तो वहाँ बच्चा पैदा के लिए तो हमें काहे ना फोन कैले। सदिया कै महीने बाद बच्चा भैया भैया सदिया कै महीना बाद भल हमें जब बताई तब ना मालूम हुई बना के लिए हमें तो बहुत दिन बाद मालूम भयल कि तोरे लड़का हो गल लड़की भई ल लड़की हो गई तोरे। हाँ तो हमें बहुत दिन बाद मालूम भयल तो बतावा शक ना हुई हमें कि मतलब हमारा बच्चा ना रहले से हमें ना बतौले जेकर रहलू ओके बतौले होई तब रखबा क्यों ओके साथे ना रखबा। अरे भैया कुछो कहले बाकी हमार मेहरारूआ ना बाकी हम ही चाहते है कि अगर आवे के हो तो इज्जत से हम इज्जत रखे चाहते है अगर आई तो हमें बनाओ खाए के दिक्कत है आई तो हम इज्जत रखब का ओके लिए तू करत रहा जब वो घरे रात रे साथे या ओकरे बदे हम कुल करत रही जौन मतलब कोई न करत रही हो तवन हम करत रही ओकर गोड़ दबावत रही ओकर कपड़ा गजारत रही ओकर मतलब बर्तन खाना पीना कुछ बना के एकदम छोटा बच्चन मतन ओके खियावे के होत रहल ओके दूध ओके डेयरी लगवले रही का वाला कि फल फूल काजू किशमिश सब कुछ ओके खरीद के खियावत रही हमके धमकी न दे कहा कि अगर ऐसे न करवा तो हम तुरे यहाँ रहबा न करब हम कुल कह लिए हम कि चल भैया तो जितना कमाब उतना कुल तोरे में फूकब हमार मम्मी भी हमें छूट दिले रही कि बच्ची तू अपन मेहरारू देखा जैसे कह वैसे रखा काहे बदे कि हमार तू पहली मेहरारू छोड़ले रहल ऐसे हमें कुल करे को तरह मन से रहे को तरह बाकी इतना कुल कहले पर हमें धोखा दे दिले और कचहरी में कहले कि हमें फुकना सुखर रोटी खियावत रहल इतना कुल कहले के बाद अगर ऐसे कही नहीं तो बतावा अब तू तू का खियबा ओके अगर अब आई तो सुखर रोटी खियाई बाप आई तो खुलासा बोले थी अब आई तो सुखर रोटी खियाई पहले तो ऐसे ना हो आवा जाए जी ना बा बाकी अब आई तो सुखर रोटी सही में खियाई हम अपने खा ले बेर और बाकी ओके सुखर रोटी खियाई अब आई तब न आई तो फिर बहुत बढ़िया न आई तो और बढ़िया तो दूसर शादी करबा न आई भैया तो हम दूसर शादी करब काहे कि हमें बनाओ खिया को दिक्कत नहीं आवे को तो इज्जत से चली आवे हमारे घरे। सही बात भैया अनमोल जी हैं जिनका दर्द आपने सुना जिनका साफ तौर पर कहना है कि भैया हमने शादी किया और पत्नी इनकी जो है इनको धोखा दे दी है और 4 साल से इनसे दूर है लगातार गुहार लगा रहे हैं।